हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। आज मैं आपको इस कुर्ती की स्टिचिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो हमने आपके सामने ही कट की थी, तो ये देखिए इसके फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है और ये इसकी बाजू है। और मैंने बोला था कि मैं इसका नेक अभी नहीं कट करूंगी, डिफरेंट टाइप का नेक बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों नेक इसके कट कर लिए हैं और इनको कपड़ा लगाकर सी लिया है। अगर आपको इसका वीडियो जानना है, देखना है कि ये कैसे बनाए हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका वीडियो प्रॉपर अलग वीडियो बनाकर दिखा दूंगी। तो ये जो है, ये मेरा बैक का नेक है गोल और ये मेरा फ्रंट का नेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है और इसका फ्रंट यहाँ से निकालते हुए इसके हम सेंटर पार्ट निकाल लेते हैं। ये देखिए, दोनों कॉर्नर को मिला लेंगे और ये जो सेंटर में आएगा, यहाँ यहाँ एक कट लगा देते हैं। ऐसा ही कट हमने अपने नेक में भी लगाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे आपको चौक का निशान दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा उल्टा है, तो हम इसे पलट देते हैं। इस तरफ से ये हमारा सीधा पार्ट है। तो ये देखिए, आपको कट दिख रहा होगा यहाँ पर। इस वाले कट से मैं इस कट को मिला दूंगी और फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा कपड़ा सीधा है, इसके ऊपर हम कपड़ा उल्टा रखेंगे, ये पलट के ऐसे पीछे चला जाएगा। तो सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे, इसे पिन अप कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे साइड में पिन अप कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पिन लगा के पिन अप कर लिया है। अब यहाँ साइड साइड हम सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, बुकरम के साइड में नीचे की तरफ यहाँ कॉर्नर पे सभी जगह सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बारीक बखिए से हमें सिलाई लगानी है, बिना कपड़े को खींचते हुए धीरे धीरे आराम से कॉर्नर को टच करते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के यहाँ इस तरफ से हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा वेस्ट है, ये किसी काम का नहीं है। मैं इसे कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बीच का कपड़ा कट कर दिया है। इसके बाद ये किनारे किनारे में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे हमारी सिलाई ना कट जाए, सभी जगह अच्छे से कट लगा लेंगे, ताकि हमारे कॉर्नर, जब हम इसको टर्न करें, तो हमारे कॉर्नर ईजी पीछे की तरफ मुड़ जाए। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब हम इसे पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीछे की तरफ टर्न कर दिया है और ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ मुड़ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगानी है। तो आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं निशान लगा कर बता देती हूँ। हमें थोड़ी सी दूर पे सिलाई लगानी होती है, लगभग 1 फुट का हम गैप देते हैं। मैं कैमरे को पास ले जाके बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी दूर से हम सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो मैं इसे बाद में इरेज कर दूंगी। आपको दिखाने के लिए मैंने ये निशान लगाया है। पूरी तरफ हम ऐसे ही लगा लेंगे, 1 फुट का निशान छोड़ते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक का जो पार्ट है, उसका नेक बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। सेम इसी मेथड से मैं जो फ्रंट पार्ट है, उसका भी नेक बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा है, ये सीधा वाला पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ कढ़ाई है और इसके ऊपर मैंने अपना नेक इस पर पिन अप कर लिया है। इसको भी सेम मेथड से मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फ्रंट का भी नेक बनकर रेडी हो गया है। बैक और फ्रंट के नेक को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, सीधा है। इसके ऊपर मैं अपना बैक वाला पार्ट भी सीधा ही रखूंगी। दोनों सीधे सीधे हमने आपस में जोड़ दिए हैं। और इस तरफ भी हमारा उल्टा कपड़ा है और बैक साइड में भी हमारा उल्टा है। तो हमें सीधे से सीधे को मिलाते हुए यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंधे जो हम जोड़ते हैं उसको पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंट तरीका बताया था, इसमें मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ। सबका अलग अलग मेथड होता है कंधे जोड़ने का, तो मैं इसे सिंपल तरीके से जोड़ के बता रही हूँ। बस दोनों को आपस में हमें इन्हें मिलाना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों नेक बनकर रेडी हो गए हैं और हमने इसके दोनों कंधे भी जोड़ लिए हैं। इसके बाद हम ये फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। ये जो हमारे आर्म होल के पास से ये जो सिलाई होती है, ये फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो पहले हम इसे नाप कर देख लेते हैं जितना भी ये है, और फिर अपनी चेस्ट नाप लेंगे हमारी चेस्ट कितनी है। तो हमारी चेस्ट है 38, तो हम उसका हाफ लेंगे 1919। तो हम दोनों कॉर्नर से, ये है 28, तो हम दोनों कॉर्नर से 1.5 इंच छोड़ देंगे यानी घटा देंगे। तो ये देखिए, इसको नापने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ इस तरफ से देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, 1.5 पे यूँ निशान लगा लीजिए। और अपने दूसरे तरफ भी हमें सेम वही करना है, 1.5 पे हमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स, जहाँ हमारी ब्रेस्ट का साइज लगा हुआ है, जो हमने 14 इंच पर लगाया था वहाँ से। और इस तरफ भी, इसको भी हम पहले नाप कर देखेंगे ये कितना आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा आ रहा है 21, और हमें यहाँ पे रखना है 18। यहाँ की हमारी कमर की जो है चौड़ाई, वो है हमारी 36। तो उस 36 का हाफ हो गया 1818। तो हमने दोनों तरफ से वही सेम 1.5 माइनस कर देना है, घटा देना है, निशान लगा देना है इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने निशान लगा दिया है। पहले हम इसे ही यहाँ सीधी लाइन खींच देते हैं। थोड़ी सी कर्व लाइन आती है, बिल्कुल सीधी नहीं आती, मैं दोनों तरफ से खींच लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब नीचे की तरफ जितनी लंबाई हमें अपनी चाक की छोड़नी है उतनी हम काउंट कर लेते हैं। तो यहीं सिरे से ही आप नापिए इसको। ये 13 या 14 इंच तक के बनवाते हैं सब, तो आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। तो मैंने 14 इंच पर निशान लगा लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 14 इंच पर मैंने निशान लगाया है, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से भी हम सेम वही 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1.5 इंच का हमें मार्जिन छोड़ देना है और अपनी इस लाइन को यहाँ तक निशान लगा देना है। थोड़ा सा कर्व आता है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको दिख रहा होगा मैंने ऊपर की तरफ से एक और लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि मैं दो सिलाइयाँ चलाऊँगी ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो हम फर्स्ट वाली खोलकर पीछे वाली रख सकें। तो सेम इस तरफ से भी मैं यही निशान लगा लेती हूँ, दूसरे कॉर्नर से भी, और फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ से दोनों किनारे आपस में मिलाते हुए इस तरफ से हम सिलाई लगा देते हैं। उस तरफ ज़्यादा कढ़ाई हो रही थी इसलिए आपको दिख नहीं रही थी, तो इस तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारी बाजू है, बाजू को उल्टा सीधा देखते हुए यहाँ से मोड़कर इस पर सिलाई लगा लेती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू पर सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बाजू को रेडी कर लिया है। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे बाजुओं पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए इस पर निशान लगा लिया है और यहाँ सीधी सिंपल सिलाई मैं इस पर चला देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं और अपनी कुर्ती के साथ इसको अटैच करके देखते हैं कि ये बराबर आती है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू है और ये हमारी कुर्ती है। आप इन दोनों को ऐसे नाप कर भी देख सकते हैं या फिर इंची टेप से आप इनको नाप सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों सीधे सीधे मैंने रखे हैं। यहाँ गले के पास से मैं अंदर से हाथ घुसाऊंगी और इसे यहाँ बीच में से पकड़ लूंगी। बाजू अटैच करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, तो जो भी मेथड आपको ईजी लगे आप उस मेथड से जोड़ सकते हैं। तो मैं इसे गले वाले पार्ट को ऐसे टर्न कर दूंगी। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से मैं इन दोनों का जो हमने सिलाई लगाई है वो वाले पार्ट आपस में मैच करूँगी। तो ये हमारी कुर्ती का पार्ट है और ये हमारी बाजू का पार्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू है, ये कुर्ती है। तो यहाँ की सिलाई, ये देखिए, ये कुर्ती का पार्ट है और ये बाजू का पार्ट है। तो ये देखिए, ये सिलाई हमारी कुर्ती की है और ये हमारी बाजू की है। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये देखिए। तो हम इन दोनों सिलाइयों को आपस में मैच करते हुए ऐसे मिलाते हुए और यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। न्यू राउंड सर्कल में पूरी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को अच्छे से फिक्स कर लिया है और बस हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। आपको ऐसे ही दोनों को मिलाते हुए, दोनों के कपड़े, बाजू की और कुर्ती के कपड़े, आपको ऐसे मैच करते जाना है और सिलाई को आगे तक लगाते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस भी मेथड से आपको बाजू लगाना ईजी लगता हो आप उसी मेथड से अपना बाजू लगाइए। मैं तो दो तीन तरीके से बाजू लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बाजू लगकर रेडी हो गई है। मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी टाइप से मैं दूसरी बाजू भी लगा लेती हूँ। ये बाजू हमारी लगकर रेडी हो गई है और तुरपाई का भी जितना काम है नेक पे और नीचे, वो सब मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है, आपको दिख रहा होगा। बाजू भी हमारी परफेक्ट लग चुकी है दोनों साइड से। ये देखिए, गले पर जो मेरी तुरपाई वगैरह होती है वो सब मैंने कर ली है। यहाँ साइड में भी जो तुरपाई होती है वो सारी मैंने कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से सारी तुरपाई वगैरह हो चुकी है। एक और बात, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साइड में ये जो हम लॉक लगाते हैं, हमारी कुर्ती निकल ना जाए, मैं पास से आपको दिखाती हूँ। ये वाला लॉक देखिए, ये फ्रेंड्स, ये वाला लॉक जो हम लगाते हैं, इसकी वजह से हमारी कुर्ती की सिलाई यहाँ से खुलती नहीं है, फटती नहीं है, हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होता है। इसे करने का मेथड, जो तरीका है, वो मैं अपने चैनल पर पहले ही बता चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर इसको बनाने का तरीका देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लुक आया है मेरी कुर्ती का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय फ्रेंड्स।